हरे राम कृष्ण, आपका हार्दिक स्वागत। मैं किशन राघानी। आज मैं आपको बताऊं भाई, जैसे अपन सपने देखते हैं ना, उसके लिए भी हमें कुछ नियम पालन करने चाहिए। भाई रात को जैसे सपना देखा तो शास्त्रों में कुछ निर्देश हैं, आप इनको ध्यान में रखो। ये मैं निर्देश बता के फिर आपको कुछ सपने भी बताऊंगा जो भी लिस्ट में हैं, जस्ट फॉर योर गाइडेंस। लेकिन मेन जो मेरा आज का सब्जेक्ट है ना, तो आप जो सपने देखो उनका क्या करो। देखो, आपको रात को 12-1 बजे कोई सपना आए तो आप ये समझ लो वह सपना 6 महीने में आपके साथ घटित हो सकता है। और जो सपना 2 से 4 बजे तक आए वो 3 महीने में आपके साथ घटित हो सकता है। और सुबह सुबह जो सपने देखते हैं ना, सूर्योदय से पूर्व वाले उठते ही, तो उनके घटने में समझ लो 7 दिन लगेंगे। 7 दिन के अंदर वो आपके साथ घटना घट जाएगी सुबह सुबह जो देखते हैं। लेकिन इसकी एक सपनों के लिए भी एहतियात हमारे ब्रह्म ऋषियों ने दिया है, जो हमारे बुजुर्ग ज्योतिष हैं, वो कहते हैं बुरा स्वप्न आए तो आप बुरा स्वप्न देखकर उठोगे ना, फिर सो जाओ। इससे क्या होगा, बुरा स्वप्न देखने के बाद आप सो जाओगे ना तो वो स्वप्न पूरा भी नहीं होगा, हो सकता है उसमें विलंब भी हो जाए, माना टल भी जाए। बुरा स्वप्न देखते ही सो जाना चाहिए, जगना नहीं चाहिए, ईश्वर का नाम लो और सो जाओ। इससे क्या होगा कि वो सपना साकार, वो आपका बुरा घटना या तो टल जाएगी या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, आप नींद कर लोगे तो, क्योंकि आपने कहा प्रभु आपके सहारे, कश्ती आपके किनारे, ये बात होगी। लेकिन कोई अच्छा स्वप्न आप देखो तो फिर सोना मत, फिर चाहे रात के 2 बजे 3 बजे, अच्छा स्वप्न दिखे सोना नहीं है, सोने का नहीं, वो पूरा होगा बहुत जल्दी। और सुनो, इसमें एक और भी बात कही है कि अच्छे जो स्वप्न आते हैं ना, जैसे आज मैंने देखा कि मैं मेरी लॉटरी खुली है या मेरे पास कोई बहुत बड़ा प्रपोजल आया है फॉरेन से, तो ये उठकर किसी को भी न बताएं। दुनिया बड़ी जालिम है, मुंह फेर के हंसती है, नजर लगती है। अच्छा स्वप्न मत बताओ, बुरा स्वप्न देखो ना, अरे मुझे सांप ने काट लिया, अरे मैं मल से नहा रहा हूँ, ऐसे गंदे सपने ना बता दिया करो तो वो आपके साथ घटित नहीं होंगे। ये मैंने आपको जो ज्ञान दिया है ना, बुरा सपना किसी को नहीं बताओ, सबको बताओ, अच्छा सपना किसी को मत बताओ, ये हमारे सब पूर्वजों ने माना शुरू से ही लेके, महर्षि वशिष्ठ ने अपने बेटे महर्षि पाराशर को दिया, महर्षि पाराशर ने अपने बेटे महर्षि व्यास को दिया, माना ये सब वराह मेहर भृगु और हमारे आज के भी जो हैं, जो हमारे गुरुवर हैं, उन सब ने हमें ये निर्देश दिया कि ये आप पब्लिक को ये बताओ। सपने बताने से क्या फ़ायदा, इसका ये एंटी लॉक दे दो, बुरे सपने बताओ, अच्छे सपने मत बताओ, बस इससे आपका कल्याण हो जाएगा। समझिए भाई, आप कारण शरीर ही ख़त्म कर दो सपने का, वो होता है। अब मैं कुछ सपने आपको बता देता हूँ, जब अपने बात खुली है तो फिर दूर तक जाने दो। मैं लिस्ट बताता हूँ। सपने में दांतों का दर्द दिखे तो ये आपकी तरक्की का सूचक है। सपने में 1-2 दांत टूटना माना आपको मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु। सपने में पूरी 32 दांतों की गायब
माना तुरंत आप मृत्यु प्राप्त होने वाले हो। सपने में थोड़ी छत गिरना, भाई जैसे छत गिरे, छत में से कोई टुकड़ा गिरे, तो ये किसी विपत्ति की सूचना है। सपने में भरा हुआ कुआं देखो, भाई पानी भरा हुआ जल जलाशय कुआं, तो अति फलदायक। और अंधेरा कुआं और सूखा हुआ कुआं दिखे तो मना बहुत चौतरफा आपके पास कष्ट आने वाले हैं, आप कष्टों के घेरे में आने वाले हो। अंधकूप मना वो इसको बोलते हैं, उसमें पराजय असफलता और खराब आती है। सपने में शिक्षक देखना बहुत ही शुभ होता है। स्वप्न में अनाथालय बहुत खराब, अनाथालय देखे ना तो बहुत खराब है, मना आपका प्रमोशन किसी गलत जगह पर हो रहा है, जंगल में नौकरी का स्थानांतरण होगा और कोई पार्टनर आपसे धोखा करने वाला है। अनाथालय देखते ही सोच लो पार्टनर, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, माँ सरस्वती दर्शन, ओम ऐम ऐम नमः, बुद्धि वृद्धि। कबूतर दिखना, कबूतर दिखना रोग से छुटकारा। कोयल देखना अति उत्तम, पूरा दिन हफ्ता महीना मस्त चलेगा। छिपकली दिखना, घर में चोरी होना, माने घर में आपके खिलाफ कोई गलत चल रहा है या चोरी हो रही है आपके घर की, छिपकली उस घर में दिखती है ज्यादा। चिड़िया ही दिखाई देना, चिड़िया देखे ना चिड़चिड़, वो बहुत अच्छी होती है, इसमें आपको पदोन्नति मिलेगी। ठीक है, तोता दिखे तो सौभाग्य, अच्छा भाग्य। भोजन की थाली देखना सही नहीं है, ये धनहानि होगी, भोजन की थाली दिख जाए तो। इलायची देखना, इलायची होती है ना, वो कहीं दिख जाए भाई ऐसे ही सपने में, तो वो आप सोचो आपके सम्मान में वृद्धि होने वाली है। गुड़ खाते हुए देखना, भाई मैंने गुड़ खाया सपने में या मिठाई खाई, माना अच्छे समय का आगमन आ रहा है। अगर शेर दिखे सपने में तो आप शत्रु जीत हो जाओगे, माना शत्रु मुक्ति। हाथी दिखे तो ऐश्वर्य, राजा समान, आपको कोई बड़ा पद प्रकृति पार्टी में बड़ा रोल ऐसा कोई चीज ऑफर आने वाली है, सोच लो बस। कन्या को घर आते देखना, माना कन्या बेटी कुछ भी अपनी पोत्री घर में आ रही है आपसे बात करे, माना लक्ष्मी आ रही है, पैसा आएगा। सफेद बिल्ली देखना बहुत खराब होता है, धन हानि होती है सफेद बिल्ली। दूध देती भैंस देखना, माना घर में धन भवन वाहन सुख समृद्धि। चोंच वाला पक्षी देखना, चोंच वाले पक्षी होते ना लंबी चोंच वाले, उससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आप कोई नई इंस्टॉलेशन कर रहे हो, नया व्यापार खोलोगे, ये इसका है। सिंह को दिवालिया देखना, भाई मैं दिवाला हो गया, तो वो माना समझ लो आपका जीवन चौपट। ऐसा सपना किसी को नहीं बताना चाहिए, इसको अपने साथ दफन करके और ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और ईश्वर को कहना कि मेरे पूरे कर्मों को थोड़ा बांट बांट के दो, मेरा जीवन यापन हो। चावल देखना माना आपकी शत्रु समाप्त, भाई जिससे शत्रुता चल रही है ना, चावल दिखे परम शत्रु आपका मित्र होगा। चांदी देखना धन लाभ, दल दल चिंताएं बढ़ाता है। कैंची देखना ग्रह कला होती है। सुपारी दिखना रोग मुक्ति। लाठी देखना यश बढ़ाना। तीर देखना लक्ष्य की ओर बढ़ना। खड़ी बैलगाड़ी नुकसान, खड़ी गाड़ी, खड़ी बैलगाड़ी, खड़ी स्कूटर नुकसान। खेत में पका गेहूं लाभ। ताश देखना कार्ड्स नॉट गुड, समस्याएं बढ़ेगी आपके जीवन में।
सूखी घास देखना समस्या, शिव देखना उत्तम धन प्राप्ति, त्रिशूल देखना शत्रु मुक्ति, शत्रु देखना उत्तम धन लाभ। शत्रु दिखे ना समझ लो आपको फायदा हो रहा है, कुदरत आपको फायदा दे रही, उसका कल्याण होने वाला है, आपसे आपसे जान छूटनी किसी। दूध देखना आर्थिक उन्नति है, किसी धनवान पुरुष को देखना वो भी अच्छा होता है। और दिया सलाई जलाना धन प्राप्ति होती है, सूखा जंगल दिखे वीरान तो समझ लीजिए परेशान है, कोई मुर्दा दिखे सपने में भी, मुर्दा देखा आपने तो माना आपकी सबसे पुरानी बीमारी है ना वो खत्म होने वाली है, बहुत अच्छा है। मुर्दा देख लिया ना हो गया, बीमारी रवाना दफन हो गई। आभूषण देखना आपके कार्य पूर्ण, अंगूठी देखना विवाह का सूचक, माना आपकी अंगूठी दिखे ना माना आपका विवाह बहुत जल्दी होने वाला है, समझ लो 3 महीने के अंदर। अब और भी कई चीजें बताऊंगा, मुझे मेन तो आपको ये बताना था इन सपनों का कैसे इलाज किया जाए, भाई बताया जाए नहीं बताया जाए, कब पूरे होंगे, कब ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं मेरे, जब तक फोन आ जाता है आज मैंने ये देख लिया था, काय सांड बैल देख लिया, तो मैं कहता हूँ भाई लक्ष्मी प्राप्ति हो रही है, गाय या सांड बैल देख, तो वो बोलना पड़ता है फोन पे। तो ये मैंने जो भी लिस्ट थी आपको बताई है, आगे भी बताता रहूँगा। आप थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे बढ़ाओ, तो हम भी बढ़ते जाएं आपके साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।